ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमें भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए आदेश दिया है, तो चलिए हम सब भारत में अंग्रेजी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब इस बात से सहमत हो। रुको जरा, हम चाहते हैं भारत में भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सब इस बात से सहमत। रुको, हम चाहते हैं भारत में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए। जेंटलमैन, हमारे पास इस बात पर विवाद करने के लिए 22 साल का समय नहीं है। और फिर यह विवाद अगले 22 साल तक चलता रहा। वापस चलते हैं भारत में। मौसम खुशहाल है, बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं, चिड़िया गा रही हैं, आपके पड़ोसी की शादी होने वाली है और हर कोई आपका दोस्त है। अरे नहीं, आपने एक ऐसे आदमी को छू दिया है जो अछूत है, अब कोई भी आपका दोस्त नहीं है। इसके लिए आपको समाज से निकाल भी दिया जाएगा। उस अछूत व्यक्ति के जैसे लोगों का जीवन भी तय है, उनके साथ जीवन भर भेदभाव होता रहेगा। यहाँ आपके दोस्त ने शादी कर ली है जबकि पहले से ही उसके पास 3 पत्नियां थी, और वो छोटी बच्ची जिसका बचपन में ही जिस बच्चे के साथ बाल विवाह कराया गया था वो किसी वजह से मारा गया है, और अब बच्ची को भी उसकी चिता में जला दिया जाएगा। भारतीय समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, और ऐसे समय में सामने आते हैं आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय ने समाज सुधार का तरीका सोचना शुरू किया। भारतीयों को कुसंस्कारों से बचाने के लिए उन्हें आधुनिक शिक्षा देने की जरूरत है, जिसके लिए उन्हें अंग्रेजी शिक्षा देने की जरूरत है, जिसके लिए मुझे स्कूल चाहिए और जिसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। माफ करिएगा, मैंने आपको देखा नहीं, मैं भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देने के बारे में सोच रहा था। और मेरे पास पैसे हैं। ये थे डेविड हेयर, जो कि स्कॉटलैंड में घड़ी बनाने का व्यापार करते थे। 1800 में वो स्कॉटलैंड से भारत आए और कोलकाता में अपनी दुकान खोली और बहुत सारा पैसा कमाया। राजा राम मोहन रॉय की आत्मीय सभा में डेविड हेयर ने भी भाग लिया और भारत में अंग्रेजी शिक्षा पे बात की, और इस तरह 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यहाँ पर भारतीयों को आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी। इसी के साथ किताबों के लिए कोलकाता बुक सोसाइटी और स्कूलों के विकास के लिए कोलकाता स्कूल सोसाइटी का भी निर्माण किया गया। इसमें राधा कांत देव और डेविड हेयर संयुक्त सचिव बने। तो लगता है बहुत सारा काम हो गया है, अब हम लोग आराम से मिलकर पार्टी कर सकते हैं। और सर, लोग अभी भी औरतों को जला रहे हैं। पार्टी कैंसिल। 1819 में राजा राम मोहन रॉय ने पूरे जोर से सती प्रथा पर आंदोलन शुरू किया। वे कलकत्ता के शमशान घाटों पर जा जाकर लोगों को सती प्रथा करने से रोकने लगे, साथ ही अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी के द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश भी की। यहाँ एक तरफ जहाँ राधा कांत देव किताबों की रचनाओं और उनके अनुवाद पर काम कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ डेविड हेयर अन्य स्कूलों की स्थापना भी कर रहे थे। तो लगता है बहुत सारा काम हो गया, आप सब लोग घर जा सकते हैं। सर, लोग अभी भी विधवा औरतों को चला रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद भी सती प्रथा रुक नहीं रही थी, लेकिन फिर राजा राम मोहन रॉय को एक तरीका सोचता है। हमें किसी ऐसे की मदद लेनी होगी जो पूरे भारत से सती प्रथा हटा सके, जिसकी पहुंच और ताकत पूरे भारत में हो। ये मत कहना तुम अंग्रेजों की बात कर रहे हो। मैं अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ। और फिर राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के बारे में लॉर्ड विलियम बेंटिक को लेटर लिखते हैं। जब हर कोई अपने काम में बिजी था, यहाँ हिंदू कॉलेज में एक नए टीचर की भर्ती होती है। इनका नाम था हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। डिरोजियो की कविताओं में देशभक्ति थी। डिरोजियो का पढ़ाने का तरीका सरल और समझने में आसान था। डिरोजियो क्लास के बाद छात्रों के साथ विचार विमर्श भी किया करते थे। डिरोजियो से छात्र इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यंग बंगाल नाम का एक संगठन बनाया, जिनमें वे समाचार पत्रों में लेख लिखकर सामाजिक कुरीतियों की बुराई किया करते थे। स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ तुम अपने विचारों को आजाद करो, जो करना चाहते हो करो और आजादी से रहो। क्या हुआ? डिरोजियो कमाल के हैं, मुझे भी अपने विचारों को आजाद करना है और आजादी से रहना है, लेकिन hey, क्या तुम सिगरेट पीना चाहते हो? क्या इसी को आजादी कहते हैं? हाँ। तो तुम हो डिरोजियो इतिहास और अंग्रेजी के शिक्षक? जी हाँ, तुम्ही ने छात्रों से कहा था वो जो चाहे वो करें। जी हाँ, और अब वो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जी, तुम्हारी नौकरी गई। डिरोजियो को हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया। उनका यंग बंगाल आंदोलन भी कुछ खास नहीं चला, और आखिर में सिर्फ 22 साल की उम्र में हैजा से उनकी मौत हो गई।
लेकिन जो भी हो, डिरोजियो को आधुनिक समाज के अग्रदूत के तौर पे देखा जाता है। इधर इन सब के बीच राजा राममोहन रॉय को बड़ी सफलता मिली। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और ये उनके तमाम प्रयासों का ही नतीजा था कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल सती रेगुलेशन कानून बनाया, जिसके अनुसार पूरे भारत में सती प्रथा को अवैध और दंडनीय अपराध के रूप में घोषित कर दिया गया। इसी कानून के सुधार के लिए 1830 में राजा राम मोहन रॉय लंदन गए, जहां 3 साल बाद 1833 में उनकी मृत्यु हो गई। डेविड हेयर ने कलकत्ता में एक छोटा घर लेने के बाद अपना सारा पैसा शिक्षा के कार्य के लिए दान कर दिया। राजा राधाकांत देव अपना कार्य आगे भी करते रहे। तो अब कौन है जिसे हम भूल रहे हैं? अंगल प्राच्य विवाद रुक नहीं रहा था और विलियम बेंटिक इससे परेशान हो गए थे, सो उन्होंने बुलाया मैकले को। मैकले, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमें भारत में शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस प्रकार की शिक्षा। और अब कमिटी में भारतीय शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा को लेकर विवाद शुरू हो गया है और इन सब से मेरे बाल पक रहे हैं। तो तुम समझ रहे हो मैं तुमसे क्या करवाना चाहता हूँ? बिल्कुल, आप चाहते हैं कि मैं आपके बाल काले कर दूं। आप चाहते हैं मैं विवाद को रोक दूं। और फिर मैकले ने अंगल प्राच्य विवाद पर एक रिपोर्ट बनाई और उसे पार्लियामेंट में पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा ही देनी चाहिए, इससे वो बाहर से भारतीय लेकिन अंदर से अंग्रेज बन जाएंगे। हम उनसे कम पैसों में छोटे मोटे क्लर्क का काम भी करवा सकते हैं और हो सकता है वो अंग्रेजी शासन को भी स्वीकार कर ले। सही है। और इसी के साथ अंग्रेजी शिक्षा भारत में सरकारी तौर पर लागू हो गया। मैकले के इस रिपोर्ट को आगे चल के मैकलेज मिनट के नाम से जाना जाता है। और इसी साल अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, जहां केवल इलाज ही नहीं किया जाता था बल्कि भारत के आदमी आधुनिक चिकित्सा सीख सकते थे। लेकिन जब मैं कहता हूँ आदमी, मेरा मतलब है सिर्फ आदमी। औरतों की भर्ती पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसका मतलब साफ था कि अंग्रेजों को नारी शिक्षा में कोई रुचि नहीं थी और नारी शिक्षा के लिए किसी को तो कुछ करने की जरूरत थी। सर, अंग्रेज नारी शिक्षा में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। मैं मर गया हूँ। सो इस बार औरतों के लिए सामने आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अंग्रेज नारी शिक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं, जिसका मतलब है मुझे खुद उनके लिए स्कूल खोलना पड़ेगा, जिसका मतलब है मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, जिसका मतलब है मुझे। क्या तुम भी वही सोच रहे थे जो मैं सोच रहा था? और मेरे पास पैसे हैं। ये थे मिस्टर बेथून, जिन्होंने 1842 में ही भारत में भी यूरोप के बराबर शिक्षा का एक योजना पेश किया था, लेकिन यूरोपियन यूनियन ये नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस योजना को नकार दिया। लेकिन जो भी हो, 1849 में बेथून और विद्यासागर ने मिलकर हिंदू नेटिव फीमेल स्कूल की स्थापना की, जहां भारतीय महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। आगे चलकर अंग्रेजी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। 1854 में चार्ल्स वुड द्वारा उनकी रिपोर्ट वुड्स डिस्पैच को पेश किया गया। वुड ने अपने रिपोर्ट में भारत में उस शिक्षा व्यवस्था की बात की जिसे हम आज जानते हैं। उनकी रिपोर्ट के अनुसार प्राइमरी तक की शिक्षा को वर्नाकुलर भाषा, माध्यमिक तक की शिक्षा को एंग्लो वर्नाकुलर और उसके आगे की शिक्षा को पूरी तरीके से इंग्लिश में कर दिए जाने की बात कही गई। यह भी कहा गया कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षाओं को बोर्ड के अंतर्गत कराया जाए और कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत किया जाए। वुड्स डिस्पैच के आलोक में ही 1857 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, साथ में मद्रास यूनिवर्सिटी और बॉम्बे यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 35 और कन्या स्कूलों की स्थापना की। 1876 में नारियों पर लगा प्रतिबंध भी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से हटा लिया गया। आने वाले समय में भारत में शिक्षा के बल पर ही आचार्य जगदीश चंद्र बसु, एस रामानुजन और सत्यजीत राय जैसे महान वैज्ञानिक, मैथमेटिशियन और लेखक उभरने वाले थे। भारत में समाज सुधार और शिक्षा कई उतार चढ़ाव से होकर गया, लेकिन आखिर में इसमें सभी को बराबरी मिलती। आगे और भी चैप्टर्स के वीडियो आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर करिए, इससे हमें सपोर्ट मिलता है आगे काम करने के लिए।